हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी भारत। स्टडी भारत में मैं अमन वोरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे साइलॉगिज्म का पार्ट 5। ये यूजीसी नेट पेपर 1 में रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो आपके 2 नंबर एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको अकेला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी, अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ कमलदीप फ्रॉम कैंप स्टडी 95। कैंप स्टडी 95 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइलॉगिज्म का पार्ट 5। इसमें मैं कुछ पॉसिबिलिटीज़ के केसेस डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं साइलॉगिज्म का पार्ट 5। तो इसमें जिन लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे, कृपया पहले वो देख ले, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। बहुत सरल तरीके से मैंने समझाया उन वीडियोस में। तो फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, सम कॉफीज आर टीज। मैं यहाँ बना लेता हूँ, सम कॉफी आर टीज। ठीक है जी। ऑल टी इज वाटर, सारी जो टी है, तो फ्रेंड्स ये मैंने बना दी, ऑल टी इज वाटर। ऑल वाटर इज मिल्क, सारे वाटर जो है ये है हमारे पास मिल्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो हमने बना ली डायग्राम। अब देखते हैं, अब हमारे पास है कंक्लूजन्स। देखिए कंक्लूजन क्या है, ऑल कॉफी बींग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बहुत आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। जो कंक्लूजन वो बोल रहा है, सबसे पहले वो डायग्राम बना लो। उसने बोला है ऑल कॉफी बींग वाटर। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑल कॉफी बींग वाटर बनाएंगे। मैं क्या करूँगा, ऑल कॉफी, देखिए ये रही ऑल कॉफी और ये मैंने बना दिया उसके ऊपर वाटर। ये कॉफी थी और ये मैंने बना दिया वाटर। अब देखिए एक्चुअल डायग्राम देखिए, कॉफ़ी के साथ क्या है, टी है, तो बीच में मैं टी बनाऊंगा। ठीक है जी, वाटर मैंने ऑलरेडी कॉफ़ी को कवर कर लिया है, और हमने देखा है कि वाटर जो है वो मिल्क, वाटर को मिल्क कवर करता है। तो ये जो वाटर बनाया था मैंने, इसके ऊपर मिल्क बना लिया। मैंने क्या करा फ्रेंड्स, मैंने ये कॉफ़ी थी, ये जो वाटर है इसको बढ़ा के, मैंने इसको बड़ा करके क्या करा, मैंने इसको टी को बीच में कवर कर दिया है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं, जैसे पॉसिबिलिटी में हम लेके चलते हैं मैक्सिमम ओवरलैपिंग। नॉर्मल केसेस में हम चलते हैं मिनिमम ओवरलैपिंग, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा क्या होती है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा जितना एरिया चाहूँ कवर कर सकता हूँ। तो मेरे को था, जो क्वेश्चन में कंक्लूजन दे रखा है ऑल कॉफी बींग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, मैंने कॉफी देखा उसको वाटर से कवर कर दिया, और बाकी चीज़ें यहाँ यहाँ पड़ी थी वहाँ वहाँ रख दी। जैसे टी इसके साथ ऐसे सम में था तो मैंने सम में रख दिया, वाटर के ऊपर था मिल्क तो मैंने वाटर के ऊपर ही मिल्क बना दिया। मैंने काम किया पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, एक डायग्राम बना ली। फर्स्ट टाइम मैंने क्या करा, डायग्राम बना ली जो भी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग है। सेकंड में क्या करूंगा, स्टेटमेंट
चेक करूंगा। स्टेटमेंट मेरे पास क्या थी, देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, सम कॉफी इज अ टी। तो यहां पर देखिए, सम कॉफी टी के साथ तो है। सेकंड है, सेकंड थी ऑल टी इज वाटर। देखिए यहां पर भी ऑल टी वाटर ही है। थर्ड थी ऑल वाटर इज मिल्क। तो यहां पर भी वाटर मिल्क है। हमारी सारी स्टेटमेंट्स सही है। अगर पॉसिबिलिटी की डायग्राम बना ली, सारी स्टेटमेंट सही होगी, तो इट मीन्स हमारा कंक्लूजन क्या होगा, थर्ड स्टेप है सही। तो मेरा ये जो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट था, ये तो हो गया सही। सेकंड था ऑल मिल्क इज टी, ये नॉर्मल केस है। इसको तो जो डायग्राम हमने फर्स्ट में बनाई थी उसी को देख के बनाना है। जब भी पॉसिबिलिटी का केस हो, पॉसिबिलिटी कैन, मे, माइट, ऐसी चीज़ें, अगर इफ ऐसी चीज़ें हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी के केसेस होते हैं। जैसे ऑल कॉफीज कैन बी वाटर, तो वो भी पॉसिबिलिटी का केस होएगा। या फिर यहाँ ऐसे लिखा होगा, ऑल कॉफी बींग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा हमने, पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाई, स्टेटमेंट चेक करी, वो दोनों सही थी, तो क्वेश्चन हमारा सही हो गया। नॉर्मल केस में जो फर्स्ट टाइम हमने डायग्राम बनाई थी उसी को देख के उसका आंसर देंगे। जैसे ऑल मिल्क इज टी, वो कहता है सारा मिल्क टी है। अब देखिए ये नीचे को आ रहा है, नीचे में हमेशा सम के केसेस सही होते हैं, ऑल के नहीं, तो दूसरा हमारे पास गलत हो गया, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन भी करा है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला नो सी इज अ स्काई। नो सी इज अ स्काई बाद में बनाएंगे, पहले सम वाला बना लेते हैं। सम और ऑल वाला सबसे पहले बनाते होते हैं। हमने बनाया जो सम स्काइज काइट्स है, और सारे जो काइट्स है वो हमारे पास दे रखे हैं बैलून्स। ठीक है जी, सारे काइट्स क्या है, बैलून्स। और नो सी इज स्काई, कोई भी सी, अब ये थे हमारे पास नो सी इज स्काई, कोई भी सी, यहाँ कोई भी सी स्काई नहीं है। ठीक है जी, इसको मैंने कांटे से बता दिया। अब जो कंक्लूजन थे, सम बैलून्स आर सीज, सम बैलून इधर है, सम बैलून्स आर सीज इधर है। देखिए इसके और इसके बीच में कोई सम का केस नहीं बनता, गलत हो जाएगा। ऑल बैलून बींग स्काई पॉसिबिलिटी का केस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं बैलून बनाऊंगा, ऑल बैलून। देखिए ये बैलून स्काई है। अब आप देखिए डायग्राम में क्या है, ये स्काई था, ठीक है जी, और स्काई सारे स्काईज, सॉरी सारे बैलून्स स्काईज हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अगर वो कहना चाहता है कि ये ऊपर वाली चीज़ इसके ऊपर अगर पॉसिबिलिटी पूछता तो हम इसको क्या करते हैं, ऑल बैलून्स स्काईज, मैंने स्काईज के बिल्कुल ऊपर, काइट्स के बिल्कुल ऊपर लेके आ गया। मैंने क्या करा, यही मेरे पास काइट्स है, काइट्स के बिल्कुल ऊपर मैंने बना दिया, क्या बना दिया, बैलून्स। ठीक है जी, बाकी चीज़ें एज इट इज रहने दी, क्योंकि यहाँ पर ये सारे काइट्स बैलून्स हो गए ना, क्योंकि मैंने ऊपर बैलून बना दिए काइट्स के। तो ये यहाँ पर हमारे पास था स्काइज और यहाँ था हमारे पास सी। ये मैंने पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग डायग्राम बना दी। मैंने क्या करा, ये बैलून को बिल्कुल इसके ऊपर, काइट के ऊपर रख दिया। ठीक है जी, तो क्या हो गया, सारे बलून्स स्काई हो गए। सॉरी फ्रेंड्स, सारे बलून्स वो स्काई ये कह रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। वो कह रहा है कि सारे बलून्स स्काई हैं, ये बलून्स है, मैं इसको काइट्स को स्काई समझ लिया। देखिए यहाँ पर क्या है, सारे बलून्स स्काईज हैं। तो यहाँ पर पड़े थे हमारे पास, दोबारा से डायग्राम देखते फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास था स्काईज और इसको सारे जो सारे वो कह रहे हैं कि सारे बैलून्स क्या है, स्काई हैं। अब देखिए मेरे को क्या करना है, ये बैलून्स इसके अंदर लेके जाने हैं। ठीक है जी, तो मैं कैसे लेके जाऊंगा, मैं पहले बैलून बना लेता हूँ, बैलून्स, ठीक है जी, और उसको कवर कर देता हूँ, और बैलून्स आर, ये हो गया स्काईज। ठीक है जी, और बैलून्स आर स्काईज। अब देखिए एक्चुअल डायग्राम क्या थी, मैंने क्या करा, ऑल, उसने बोला और बैलून्स आर स्काइज, मैं बैलून इसके अंदर ले गया। अगर बैलून इसके अंदर लेके जाऊंगा तो काइट्स बैलून के अंदर है, तो यहाँ पर काइट कहाँ चलेगा, बिल्कुल बैलून के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, ये मेरा है काइट्स, काइट्स बिल्कुल बैलून के अंदर चला गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैलून के अंदर काइट्स है, मैं बैलून इसके अंदर लेके गया तो काइट ऑटोमेटिकली बीच में चला गया। और उसके बाद
जो स्काई था, स्काई, ठीक है जी, स्काई, देखिए स्काईज ये यहाँ पर आ गया है ना, स्काईज का क्या था हमारे पास, कोई भी स्काई सी नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी स्काई सी नहीं है, ठीक है जी, तो स्काई का सी से मैंने बना दिया, कोई भी रिलेशन नहीं है इसके साथ। अब देखते हैं, पहले तो हमने डायग्राम बना दी, अब हम चेक करेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, स्टेटमेंट थी नो सी इज स्काई, देखिए यहाँ पर कोई भी सी स्काई नहीं है। सेकंड थी ऑल स्काईज आर काइट्स, सारे स्काईज जो है काइट्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर सारे स्काईज काइट्स नहीं नजर आ रहे, ठीक है जी, क्या मैं और कुछ चीज कर सकता हूँ, एक चीज और सोच सकता हूँ कि मैं ये देखिए सारे स्काईज, मान लीजिए बिल्कुल ये बैलून भी जो है काइट्स के बिल्कुल ऊपर लेके आता हूँ और स्काईज को भी बिल्कुल इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ। मैंने क्या करा, मैंने इसको ये जो स्काई था, ठीक है जी, क्योंकि इस डायग्राम से क्या है, ऑल स्काईज आर काइट्स नहीं बन रहा, तो ये तो मेरी डायग्राम गलत बनी है। अब एक चीज़ और सोच सकते हैं कि जो सारे स्काईज हैं इसको क्या कर लेता हूँ, यही सारे जिस सॉरी ये सारे बैलून हैं, बैलून भी यही है और स्काई भी यही है और काइट्स भी यही है। मैंने क्या करा, तीनों को इसके ऊपर ही रख दिया, ठीक है जी, क्या करा, काइट्स को बिल्कुल इसके ऊपर रख दिया, बैलून्स को भी बिल्कुल इसके ऊपर रख दिया। तो अभी काइट्स बैलून्स काइट्स स्काईज और बैलून्स एक ही जगह पे हैं, तो यहाँ पर स्काई भी है तो स्काई का सी से कोई रिलेशन नहीं है। अब स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट थी स्काई कोई भी सी स्काई नहीं है, तो वो तो पहली जो स्टेटमेंट सही होगी। दूसरी थी ऑल स्काईज आर काइट्स, सारे स्काईज काइट्स हैं, बिल्कुल सही है। ऑल काइट्स आर बैलून्स, ऑल काइट्स आर बैलून्स भी है, तो ये मेरी डायग्राम बिल्कुल सही हो गई, तो इट मीन्स सेकंड मेरा सही था। अगर ऐसे करने से भी डायग्राम कोई स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट गलत हो जाती तो फिर वो कंक्लूजन रॉन्ग होता। तो यहाँ पर ऑल बैलून्स बींग स्काई, हमने क्या करा, बैलून बिल्कुल इसके ऊपर बना दिया, काइट्स भी इसके ऊपर ही बना दिया। तो जो सम वाले, देखिए यहाँ पर सम स्काईज आर काइट्स था, देखिए अगर सम स्काईज आर काइट्स, अगर काइट भी ऊपर है, अगर सारे स्काईज काइट्स हैं, ठीक है जी, सारे स्काईज काइट्स हैं, तो कुछ स्काईज भी काइट्स होंगे, तो वो हमारे सारे कंक्लूजन इसमें सारे जो स्टेटमेंट्स थी वो सही थी, तो कंक्लूजन सेकंड इज राइट। अब थर्ड क्वेश्चन था, हम इसकी डायग्राम बनाएंगे, सम स्टार्स आर प्लैनेट्स, तो मैंने सम स्टार्स आर प्लैनेट्स, सम प्लैनेट्स आर गैलेक्सीज, सम प्लैनेट्स आर गैलेक्सीज, सम गैलेक्सीज आर सन्स, सम गैलेक्सीज आर सन्स, ठीक है जी। अब इसमें पूछा है ऑल सन बींग गैलेक्सी इज अ पॉसिबिलिटी, कहता सारे सन, ये स्टार था, सारे सन गैलेक्सी है कि ऐसी संभावना है, सारे हमने क्या करे, सन को बीच में ले गया गैलेक्सी के, तो ये गैलेक्सी थी, सन बीच में ले गया, ठीक है जी। जो गैलेक्सी के साथ प्लैनेट का रिलेशन था, जो प्लैनेट का स्टार से, वो एज इट इज रहने दिया। तो अब देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, पहले हमने कंक्लूजन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना दी ऐसे, अब स्टेटमेंट सम स्टार्स आर प्लैनेट्स वो भी सही है, सम प्लैनेट्स आर गैलेक्सीज वो भी सही है, और सम गैलेक्सीज आर सन्स वो भी सही है। देखिए नीचे को रिलेशन सम का बनता है, ये सारे गैलेक्सी ने पूरा सन को कवर कर रखा है, तो नीचे को सम का रिलेशन जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो ये हमारे पास फर्स्ट सही हो जाएगा, स्टेटमेंट सही है सारी, तो कंक्लूजन सही हो गया। सेकंड था विदाउट जो पॉसिबिलिटी, तो वो तो नॉर्मल डायग्राम से हमने आंसर देना है, सम गैलेक्सीज आर स्टार्स, गैलेक्सी इधर है और स्टार इधर है, इसमें दोनों में सम का रिलेशन नहीं बनता, तो ये गलत हो गया। ऑल रजिस्टर्स, अब देखिए ऑल रजिस्टर्स आर पेन्स, ऑल रजिस्टर्स आर पेन्स, ऑल पेन्स सारे पेन्स जो है, सारे पेन्स है पेंसिल, ठीक है जी, इसको मैं पेन्स लिख लेता हूँ, और नो पेंसिल, नो पेंसिल इज रबड़, ठीक है जी, तो ये बना दिया। अब पूछा क्या है, नो रजिस्टर इज रबड़, देखिए अगर रबड़ कोई ये रजिस्टर था, नो रजिस्टर इज रबड़, अगर रबड़ जहाँ पर पेंसिल नहीं है तो बीच में पेन भी नहीं होएगा, नो रबड़ इज पेंसिल, नो रबड़ इज पेंस, नो रबड़ इज रजिस्टर, अगर नो रबड़ इज पेंसिल है तो नो पेंसिल इज रबड़ होएगा, नो पेंसिल इज पेंस है तो नो पेन इज रबड़ होएगा, नो रबड़ इज रजिस्टर है तो नो रजिस्टर इज रबड़, तो नो रजिस्टर इज रबड़ इज राइट।
ऑल पेंसिल्स आर पेंस, पेंसिल जहाँ पर है पेंस यहाँ पर है, जहाँ पर पॉसिबिलिटी नॉर्मल केसेज है। देखिए नीचे को हमेशा सम की केसेज बनते हैं, तो ये हमारे पास गलत हो गया, तो ओनली वन इज राइट। सम ब्लूज आर ग्रीन्स, देखिए ये है सम ब्लूज आर ग्रीन्स, ठीक है जी। सम रेड्स आर ब्लूज, सम रेड्स आर ब्लूज, ठीक है जी। उसके बाद है ऑल ग्रीन्स आर वाइट्स, सारे जो ग्रीन है वो है हमारे पास वाइट्स। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, सम रेड्स आर नाइदर ब्लूज, सम रेड्स जो ना तो ब्लूज है, देखिए ये वाले ये इतना पार्ट जो है ना तो ब्लू है नॉर वाइट, ना ही ये वाइट है, इज अ पॉसिबिलिटी, क्या इसी संभावना है। हाँ जी, वैसे नॉर्मल में इनके दोनों में सम का रिलेशन दे रखा, उसने से क्वेश्चन में बताया था सम रेड्स आर ब्लू, सम रेड्स आर ब्लूज, इतना बता के बोल हमें छोड़ दिया था, लेकिन ये हमें था या नहीं था, लेकिन पॉसिबिलिटी में हमें नजर आ रहा है। पॉसिबिलिटी में देखिए सम रेड्स आर आइदर ब्लूज आर सॉरी नाइदर ब्लूज, ना तो ब्लूज है ना वाइट्स है, इज अ पॉसिबिलिटी, यस इट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है जी। प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है ये वाला, ऑल ग्रीन्स आर रेड, अब सारे ग्रीन्स रेड है, अब पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनेगी, क्योंकि ऑल ग्रीन्स आर रेड, वो कह रहा है कि सारे जो ग्रीन है ये सारे रेड को कवर कर लें। मैंने क्या करा, ब्लूज लिख दिया यहाँ पर, रेड लिख दिया, तो ये ग्रीन था इसको बड़ा करके इसको कवर कर दिया, तो ये मेरे पास ग्रीन हो गया। अब ग्रीन को, ग्रीन ने चलो रेड को कवर कर लिया ना, ऑल ग्रीन्स आर रेड्स, फ्रेंड्स हमने ग्रीन अंदर बनाना था, रेड बाहर बनाना था, दोबारा बनाता हूँ, ऑल ग्रीन्स आर रेड्स, कहने का मतलब कि ऑल ये रेड इसके बीच में चला जाएगा। अब यहाँ पर ग्रीन ग्रीन था है ना, ऑल ग्रीन्स रेड इसके ऊपर आना चाहिए, वो ये कह रहा है ऑल ग्रीन्स आर रेड, हमने कंक्लूजन के अकॉर्डिंग बनाना है। अगर सारे ग्रीन्स रेड्स हैं तो जो रेड्स हैं वो ब्लू के साथ रिलेशन है, सारे ग्रीन, अब रेड किसके साथ रिलेशन है, ब्लू के साथ, ये मेरे पास सम रेड्स आर ये ब्लू के साथ, ठीक है जी। अब उसने ये भी बता रखा है कि जो ब्लू है उसका ग्रीन के साथ भी सम का रिलेशन है, तो मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पर बना लूंगा, इससे क्या होगा, रेड से भी इसका लिंक है और ग्रीन से भी इसका लिंक है। हमने क्या करा, ऑल ग्रीन्स आर रेड, पहले ग्रीन्स और रेड्स को बना लिया, फिर देखा जो सम का रिलेशन था ब्लू का वो ग्रीन से भी था और रेड से था, हमने यहाँ बना लिया, देखिए यहाँ पर पीछे की और रेड भी कवर हो रहा है ग्रीन भी कवर हो रहा है, और उसके बाद देखा कि ग्रीन ने पूरे ग्रीन को वाइट ने कवर कर रखा है, तो मैंने यहाँ पर बड़ा सा बना के वाइट बना दिया, ठीक है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर क्लियर करके बना देता हूँ, क्या करा हमने, ग्रीन को ऑल ग्रीन्स आर ये था रेड, और सम रेड आर ब्लू और सम ब्लू आर ग्रीन, तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया, और जो सारा ग्रीन था, ठीक है जी, सारा ग्रीन, देखिए ऑल ग्रीन्स आर वाइट्स, सारा जो ग्रीन था वो वाइट था, तो मैं ग्रीन को यहाँ वाइट से कवर कर लेता हूँ। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या थी, सम ब्लूज आर ग्रीन्स, सम ब्लूज आर ग्रीन्स तो है, सम रेड्स आर ब्लूज, सम रेड्स आर ब्लूज भी हैं, ठीक है जी, ये सम का भी कवर हो रखा है, ऑल ग्रीन्स आर वाइट्स, सारे ग्रीन्स वाइट है वो भी, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट कंक्लूजन भी सही है, दूसरा फर्स्ट कंक्लूजन भी हमारा सही है, स्टेटमेंट चेक सही बना और स्टेटमेंट भी सही थी, तो इट मींस जो पॉसिबिलिटी ये वाला भी हमारा सही होगा। तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में भी लेके आऊँगा, अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट आइकन का बटन राइट साइड में दबाना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, प्लीज़ अपने और फ्रेंड्स से भी ये मेरी जो सारी वीडियोस मैंने अभी साइलॉग्स के पीछे ऊपर भी मैंने और SCF LCF जो रेलवे में आ रहा है उसमें भी ये वीडियोस बना रहा हूँ, तो काफ़ी लोगों को इससे बेनिफिट होएगा। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, जय हिंद।